कविता जी, पहला सवाल आपसे यही, 62-150 में से मतलब बहुमत का आंकड़ा आप लोग नहीं छू पा रहे हैं, जीत या हार समझ में आ रहा है? बिल्कुल जीत रही है, टीआरएस अपने अपने ओन पे जीत रही है, मेयर भी बना रही है, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं, वी आर स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सवाल ये उठा कि क्या विकास बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति? इस बार जो इश्यूज डोमिनेट कर रहे थे वो ये था कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, दूसरी तरफ इशू उठा कि सर्जिकल स्ट्राइक पुराने हैदराबाद में कर देंगे, और उधर से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन नहीं होगा। ऐसे में आपकी जो ये गिरावट है सीटों की, क्या आप लोग भी शिकार नहीं हो गए उस पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स का, क्योंकि बीजेपी 4 से 43 पर पहुंचती दिख रही है कविता जी? देखिए अंजना जी, हम तो सीधे लोग हैं, हम हार्डवर्क करते हैं, सादगी से काम चलाते हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते नहीं है, लेकिन बीजेपी का एमआईएम का जो तूतू मायमय है, इसके वजह से हैदराबाद में एक ऐसा माहौल बना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को एक कन्फ्यूजन सा हो गया है। और ये बीजेपी का आदत है ही है कि जब इश्यूज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं तो कन्फ्यूज करके छोड़ने के प्रयास करते हैं लोगों को। हम तो इश्यूज के बारे में ही बोले हैं, हम प्रोग्रेस के बारे में ही बोले, आगे चल के भी ऐसे ही बोलेंगे, और प्रोग्रेस के बारे में बोल के डेवलपमेंट को दिखा के आज हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ये जो तूतू मैमे वाली पॉलिटिक्स जो है ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, हैदराबाद से ही उनका रोक शुरू हुआ है। आपको नंबर लग रहा है ज्यादा बीजेपी का, लेकिन बीजेपी का दावा क्या था कि हम मेयर बनेंगे, लेकिन मेयर नहीं बन पाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाए, क्योंकि वे 4 पे थे, उनका 40 तो अभी 1000% ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन हम 100 पे थे तो हमारा सिचुएशन अलग है। तो ये नंबर्स नहीं, हमें सिचुएशन देखनी चाहिए। अगर हैदराबाद पूरा कैरी होता इनके रेटोरिक स्पीचेस में तो मेयर उनका बनता। आज अंजना जी, मैं आपके जरिए लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी इलेक्शन होता है, किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है, बीजेपी का मेन प्लैंक क्या होता है? डेवलपमेंट नहीं होता है, मेन प्लैंक सिर्फ और सिर्फ ये पोलराइजेशन वाली बातें होती है। बिहार में इलेक्शन हुआ तो वहां पे बोलते हैं कि 300 घुसपैठिया है, हैदराबाद में इलेक्शन हुआ बोलते हैं यहाँ पे रोहिंग्या है। तो मैं आपसे आज सीधा पूछना चाहती हूँ, लोगों को समझने की बात है, अगर बिहार में 300 लोग घुस के आए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। हैदराबाद में रोहिंग्या है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो वो अपने फेल्यूर्स को छुपाने के लिए डाइवर्शन पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हैदराबाद की जनता ने उनको रोक के दिखाया है आज। और कल को जब तेलंगाना में ये जो बड़े बड़े एम्बिशन के साथ तेलंगाना में आ रहे हैं कि यहाँ सरकार बनाना है, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि देखिए आज हम हैदराबाद एक इकोनॉमिक इंजन है तेलंगाना का, यहाँ वेल्थ क्रिएट करके हम पूरे तेलंगाना में बांटते हैं। आज जो हमारा किसान का स्कीम है, जो पर एकड़ हम 10,000 रुपीज पर एवरी क्रॉप देते हैं किसान को, उसका नकल मार के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया 6,000 रुपीज जो फार्मर्स को देते हैं, लेकिन उसका पायनियर तेलंगाना है। और आज हमारे पास इतना अच्छा स्कीम है फार्मर्स के लिए, जो फार्मर का इंश्योरेंस होता है, किसी भी वजह से फार्मर मर जाता है उनके घर में इमीडिएटली विद इन 1 वीक 5 लाख रुपया पहुंचता है। क्या इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है कहीं पे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में? आज दिल्ली में किस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है फार्मर के साथ? तो ये सारी भी सोचने वाली बात। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।